इसमें आज इतने मोटे मोटे लोग बैठे हैं। बस निकल के हम लोग गोविंदगढ़ वाली रोड में ये बन गई है, ये छुया घाटी सामने चलते हैं, आपको दिखाते हैं अब छुया घाटी का सीन जो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। हेलो गाइस, आज हम लोग सफर के लिए जा रहे हैं और वो सफर होने वाला है ब्योहारी। आप सब देखिए इस वीडियो में, आज हम एक परिवार ट्रिप में निकल रहे हैं। अभी हम लोग कल कहाँ से आए हैं, नागपुर से, है ना। तो अपनी तैयारी पूरी हो चुकी है और हम लोग निकलने वाले हैं। 150 किलोमीटर है टोटल डेस्टिनेशन, पहाड़ों में जाएंगे, हाईवे में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। ये है सोनल दीदी और ये है माता श्री, ये है भाभी और वो है जी। कल अभी हम लोग नागपुर से आए हैं और अपनी गाड़ी चल चुकी है टोटल 150,531 किलोमीटर, तो काफी ज्यादा चल चुकी है और अभी बढ़िया चला, एसी भी चल रहा, देख सकते हैं सारे चीज अच्छे से बंद है। अल्लाह बहुत कर रहे हैं लोग भैया, अरे कैमरा मैन, हम है कैमरा मैन। तो दिस इज आ जगनिहाई टोल प्लाजा, इस पे क्या होता है हमेशा जाम लगता है और बैक वेक कराया जाता है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कोई बात चल रही है, अब क्या बात है कुछ पता नहीं, इन लोगों का बहुत टाइम लगा करता है वहाँ पे। देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ जगनिहाई टोल प्लाजा का सिस्टम है, अगर कब तक मैं खोल पाएंगे कुछ मालूम नहीं, मैं तो अभी जस्ट पहुँचा हूँ, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। तो जगनिहाई टोल प्लाजा जो बात कर रहा था वहाँ से तो मैं बाहर आ गया हूँ। तो रीवा से निकल के हम लोग गोविंदगढ़ वाली रोड में आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है टोंस जल विद्युत परियोजना, ऊपर ऊपर से नहर जाती है और नीचे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और ये अभी सड़क निर्माणाधीन है, मतलब बन रही है। इसके आगे जो आप देखेंगे तो देखेंगे ही, जैसे अभी छुया घाटी पड़ेगी जो कि डेंजरस घाटी है, उसमें भी आज जाने वाले हैं और काफ़ी लोग हैं अपनी कार में। कल ही मैं आया हूँ अभी नागपुर से, नागपुर से आने के बाद जस्ट ही हम लोग निकल लिए इधर ब्योहारी की ओर, और ब्योहारी में अपने बड़े पापा की लड़की की शादी है, इस वजह से जाना पड़ रहा है, तो पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग सुन रहे हैं राम कथा, उसी में हम लोग लीन है, लेकिन अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक बहुत ही जबरदस्त चीज जिसको देख के आपको आएगा मजा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ रीवा सीधी रेल लाइन, ये देखिए ये बन गई है, ये छुया घाटी सामने दिख रही है, तो उधर छुया घाटी है और इधर है रीवा, और गोविंदगढ़ का प्लेटफार्म भी बन चुका है, उसको तो मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। इधर से अभी सिंगल लाइन ही आ रही है रीवा साइड से, डबल लाइन का कोई अभी मेरे को वो नहीं दिख रहा, बाकी सिंगल लाइन का पूरा कार्य पूरा हो चुका है और मजा आ रहा है। चलते हैं आपको दिखाते हैं अब छुया घाटी का सीन जो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो
अभी आपको दिखाता हूँ सामने छुईया घाटी और वहाँ पे अभी मैं थोड़ा ड्राइवर एक्सचेंज कर रहा हूँ। मैं चला रहा था अभी से, अब ये चलाएगा और मैं बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि ये छुईया घाटी इसका इतना अद्भुत दृश्य बनेगा, मजा आ जाएगा आपको देख के। देखिए भाई साहब खतरनाक वाला, इधर का पूरा अभी हम लोग टॉप में है। एक झील भी है देख सकते हैं। देखे मार दे एक झापड़, चल जल्दी। अरे हम खड़ा था दे या चलने दे, चल रे निकाल रहे। कुछ नहीं, हम लोग टॉप में थे, अब यहाँ से निकल रहे हैं और इधर का जो सीन है ना बहुत मजा आएगा। इसके तो टॉप में एक किला भी है। ए बंदर लोग, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है सामने, बाबू देख सकते हैं पूरे पहिए हुए सब अलग हो गए हैं। क्या बोलते हैं, डांस करना है करो फिर। एक्सीडेंट हो जाने की वजह से छुईया घाटी में कुछ इस तरह का जाम लग जाता है। छुईया घाटी के बाद अब आपको चरकी घाटी का दर्शन करवाता हूँ। सामने दिखने लग गई है,
बाण सागर में हम लोग रुके थे चंडी माता के पास, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया। नाश्ता मीन्स ऐसे के समोसा खाए और बहुत आनंद आया। समोसा बहुत क्वालिटीफुल था। दुकान का कोई नाम नहीं है लेकिन ऐसी जगह पे खाए हैं। तो ये थी कुछ अपनी जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।